हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर लेके आ चुके हैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के फुल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो, और फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आए हैं जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देके जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, फिर आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये जैसे क्लियरली मेंशन था कि ये वाला जो अपना एक हर्डल होने वाला है निफ्टी के लिए 19,880 के लेवल का, वो जब तक क्रॉस नहीं करती है मार्केट, हम लोग बुलिस रेंज में नहीं जाएंगे। आज मार्केट ने प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रैप किया है, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं और स्टॉक्स में भी ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्टॉक के ऊपर गए हैं, कहीं नीचे गए हैं। तो अगर मार्केट की बात करें तो आज फुल्ली मार्केट साइडवेज था, और अगर ये जो हमने रेंज मार्क किया था वो एकदम हायर रेंज पे जाके मार्केट ने दोबारा से वहां से रिजेक्शन यहाँ पे फॉर्म किया है। तो अगर अभी देखें तो हम लोग जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो अभी डाउ जोन्स आज अमेरिकन मार्केट बंद है, और हो सकता है तो हाँ बात करें इंडियन मार्केट की तो ये अपना मंडे को मार्केट बंद रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मतलब अपने वीकेंड जो आने वाला है सैटरडे संडे, उसमें अच्छी खासी न्यूज आने की संभावना है। और प्लस मार्केट भी अगर देखे तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही डराने वाली थोड़ी क्लोजिंग लगती है, तो थोड़ा सा हमें सचेत रहकर ट्रेडिंग करना है। बात करते हैं लेवल्स की, तो अपना भी पोजिशनल अभी तक वही रहने वाला है, जब तक 19,880 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करना ना स्टार्ट करे हमें बुलिश नहीं होना है। और जैसे ही इसके नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है निफ्टी जो कि 19,650 के नीचे, तो हम लोग एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में, तो अगर कल के लिए लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे अपना जो हर्डल होने वाला है, अभी दोबारा से यहाँ से रिएक्शन आया है, तो अभी हमारा फिर से जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में बोला था कि ये रिजेक्शन अभी भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ही होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं मिली थी, बट यहाँ पे आज प्रॉपर तरीके से एकदम ओरिजिन तक प्राइस गई है, वहां से रिएक्शन आया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हर्डल दोबारा से एक रिजेक्शन बनने वाला है, जो कि अपना जो रेंज होने वाला है, अब इस रेंज को हम लोग यहां से शिफ्ट करेंगे यहां से, ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं जो कि अपना 19,880 से लेकर 19,850 के रेंज, मतलब ये जो 30 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है वो अपना मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करती है प्लस क्लोजिंग मिलती है तब हम लोग देखेंगे कि अपसाइड में अपने को अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। बात करते हैं बीच में मार्केट बंद हुई है तो अगर ऊपर जाकर रिजेक्शन आता है तो अपने को फॉल मिलेगा, अगर नीचे साइड में बात करें तो अपने लिए सपोर्ट के लिए अपना ये रेंज होने वाला है, सपोर्ट के लिए ये पहले छोटा सा एक ये सपोर्ट होने वाला है जो कि 19,750 से लेकर 19,710 का रेंज होगा, और उसके नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं ये वाला रेंज, इस रेंज को हम लोग बोल सकते हैं जो कि 19,700 से लेकर 19,650 का रेंज होने वाला है। बात करते हैं ये वाला जो अपना रेंज है, ये जो हमने ये मार्कर रखा हुआ है, ये लास्ट मार्केट की होप होने वाली है जो कि 19,640 से लेकर 19,600 का रेंज होने वाला है। अगर इसके नीचे सस्टेन करना निफ्टी स्टार्ट करती है तब अपने को एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, बड़ा फॉल देखने का मतलब ये जो अपने को गैप देखने को मिल रहा है ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा। तो अब एक बार हम लोग अगर देखेंगे इसके हर्डल के बारे में, तो अगर इसको हम लोग डिलीट करें एक बार तो हाँ, तो अपना ये हर्डल होने वाला है निफ्टी के लिए, मतलब ये आखिरी सपोर्ट होगा, ये अपना पहला सपोर्ट, ये अपना सेकंड सपोर्ट होने वाला है, और ये सबसे बड़ा हर्डल। मतलब ऊपर की बात करें तो रोकने के लिए सिर्फ ये है, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग सस्टेन मिलता है तो अपने को एक अपसाइड में बड़ा टारगेट मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर एक अच्छे खासे स्टॉक्स की लिस्ट लेके आए हैं जो कि अपने को अच्छा खासा मूव दे सकते हैं, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, तो बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है, ठीक है, तो ये जो अपना लेवल होने वाला है पोजिशनल व्यू में 43,680 से लेकर 43,890 का रेंज, सॉरी हाँ 43,680 से लेकर 43,900 का जो रेंज होने वाला है ये बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। और डाउनसाइड में लास्ट जो अपनी होप हो सकती है वो यहाँ पे, जहां से कल जो एक रिकवरी आई थी 43,220 या 200 का जो रेंज होने वाला है, वहां से जो लास्ट रिकवरी आई थी कल की, वही लास्ट होप है बुल्स के लिए। अगर उसके नीचे सस्टेन और क्लोजिंग स्टार्ट होता है तो एक बड़ा फॉल अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी है, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट ने पूरे दिन एक रेंज में ही यहाँ पे स्पेंड किया है,
तो यहाँ पे जिसने भी आज कॉल में बाइंग सेलिंग की होगी, सेलिंग वाले को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन बाइंग वाले को कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना होगा आज। देखते हैं अगर बैंक निफ्टी के हर्डल के बारे में, तो अपना ये हर्डल होने वाला है कल के लिए, जो कि 43,730 से लेकर 43,890 का रेंज होने वाला है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है, तब अपने को ये जो गैप दिख रहा है, गैप फिल होता हुआ दिखेगा, तो 44,050 और उसके ऊपर देखेंगे तो 44,350 के लेवल दिखता हुआ मिल सकता है साइड के अंदर। बात करते हैं डाउन साइड में, तो अपना डाउन साइड में जो अपना सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, वो होगा 43,320 से लेकर 43,200 का रेंज हम लोग बोल सकते हैं, जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी अगर उसके नीचे जाती है तो फिर ये गैप फिल होता हुआ देखिएगा डाउन साइड में, और ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो बाकी जो भी लेवल्स, अगर इतने बड़े फॉल अगर मार्केट में इतनी बड़ी रेंज क्रिएट होती है, तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में जरूर अपडेट करेंगे चार्ट के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का चैनल पेस्ट कर दिया है, आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर, तो अगर हम लोग देखें तो निफ्टी आईटी की हम लोग बार बार क्यों बात कर रहे हैं, इस वीडियो में दोबारा से हम दिखाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो एक ये निफ्टी का एक डेली का सप्लाई जोन है, जहां से एक रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और फिर एंड में होते होते मतलब एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर बनते बनते दोबारा से सेलिंग आई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे जैसे जो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं यहाँ पे देखें, तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे हम लोग देखेंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4 लगभग 4 टाइम ये टेस्ट कर चुका है सपोर्ट को, ठीक है। और यहां से भी एक मतलब एक बॉक्स के अंदर काम कर रहा है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, हो सकता है 1-2 दिन में ब्रेक करता है अगर नीचे के साइड में, तो जो भी आईटी के स्टॉक्स हैं बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखें, तो क्योंकि अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा सपोर्ट दिखता नहीं है। अगर इसको जैसे ही ब्रेक करती है, नीचे ब्रेकडाउन सा लेवल बनता है, तो अपने को निफ्टी आईटी सीधा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आता वो दिखेगा। तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है उससे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो ये अपना होने वाला है जियो फाइनेंस। तो इसकी तो बात अभी करना कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट कई सारी वीडियो में लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल पे है। अगर यहाँ से 200 के रेंज तक अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी है, मतलब इतना आपके पास रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने की कैपेबिलिटी है, तो इसको जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आपको आने वाले टाइम में 232 उसके बाद बात करेंगे 241 और लगभग 250 प्लस के टारगेट आसानी से इसमें दिखने चाहिए। अब बात करते हैं सिप्ला की, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आई है आज, और लगभग इसने 8% का डाउनफॉल दिया है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, तो ये एक रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई के पास था। वहां से जैसे ये ट्रेड कर रहा था, वहां जैसे एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप का अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक रिजेक्शन टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था, जहां से एक फॉल आया है। और ये फॉल इसलिए भी आया है कि कुछ नेगेटिव न्यूज भी इसके अंदर आई है, और साथ में देखे तो जब प्राइस ऊपर गई थी, तो कुछ अच्छा डिमांड जोन ये फॉर्म करते हुए नहीं गई थी। तो अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन इसने क्रिएट किया है, जो कि इसका ओरिजिन है। इसी प्रकार से अगर इस रेंज में आता है, मतलब 1155 के आसपास, या फिर अगर बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ के रेंज के आसपास अगर आता है 1155, तो डेली का डिमांड जोन हो गया। अगर ओरिजिन में आते हैं तो 1142 1145 के आसपास आता है, तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम लोग 1125 के आसपास का, और इसमें लॉन्ग साइड में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वन आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो यहाँ पे RSI हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि RSI जो है 21 पहुंच चुका है, 21, जो कि काफी ज्यादा लोअर होता है। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो भी यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा लोअर है। एक बार रिकवरी RSI के तौर पे भी आनी चाहिए, तो हम लोग ये कर सकते हैं, कैश में बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन में बाय करना चाहते हैं, तो ऑप्शन में बाय करने में क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना, मतलब एक स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड करना ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि एक बड़ी गिरावट आई है, तो कुछ दिन ये रेंज बाउंड हो जाएगा, कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी मूव आ सकती है। तो ये बात हो गई सिप्ला की, जहां पे एक एंट्री यहां बनती है, स्टॉप लॉस अपना यहां बनता है। अब यहां पे एक बार बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो ये अपना होने वाला है नौकरी। तो नौकरी की अगर बात करें, तो गाइस ये डेली का सप्लाई जोन में इसने हिट किया है प्राइस, दोबारा से इसने ब्रेक डाउन दिया है, इस पूरे रेंज को मतलब खत्म किया है। अब यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा यहाँ पे अपसाइड के लिए जरूर यहाँ पे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, कि जब प्राइस यहाँ पे हिट करेगी, जो रेंज होने वाला है 4530 या फिर 4500
15 के आसपास का, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 4460 के आसपास का, या फिर 4450 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक लॉन्ग साइड में ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 20 ईएमए भी यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है, प्लस डेली का एक बहुत अच्छा डिमांड जो भी है यहाँ पे, इन्फोज को यहाँ पे अपने रडार पर रखना चाहिए। बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि इंडिया मार्ट का स्टॉक होने वाला है, और इसको हम लोग रडार पे पक्का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से मैं एक वीडियो जब भी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जब भी मुझे एक अच्छा लगता है इंडिया मार्ट में जरूर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हूँ आपके लिए वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखो तो कोई भी इसके अंदर एक नेगेटिव न्यूज आती है और एक गैप डाउन मिल जाता है 2520 के आसपास, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 2450 के आसपास को, और इसमें एंट्री जरूर बनानी चाहिए। बात करें अगर टारगेट की, तो आने वाले टाइम में इसमें टारगेट 2650, उसके बाद देखेंगे तो 2700 और एटलीस्ट यहां तक 2800 प्लस के टारगेट यहां पे आसानी से दिखने चाहिए, और पोजिशनल व्यू में हो सकता है 2900 क्रॉस भी आपको करता हुआ दिख जाए, तो इसको अपने रडार पे बिल्कुल रखना चाहिए। कोई भी अगर इसमें गैप डाउन मिले 2500 या फिर 2520 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस के साथ में जरूर ट्रेड करना चाहिए गाइस। लेकिन ध्यान रहे, ये जो भी वीडियो हम लोग इस वीडियो में हम जो भी लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से, कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है ACC। अब यहाँ पे ACC की बात करेंगे, तो ACC के RSI को अगर देखें, प्राइस डाउनसाइड जरूर आ रहे हैं, लेकिन RSI में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही जल्दी एक अच्छा खासा मूव आने के लिए रेडी होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम पे आके, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वीकली के बहुत अच्छे खासे डिमांड जोन के अंदर इसकी एंट्री हो गई है, बहुत अच्छे खासे डिमांड जोन के अंदर ऑलमोस्ट एंट्री हो गई है। यहाँ पे SIP जरूर क्रिएट की जा सकती है, और अगर किसी प्रकार से 1780 या फिर 1790 के आसपास यहाँ पे आपको लो क्रिएट करता हुआ दिखे, तो यहाँ पे जरूर ट्रेड करना चाहिए, जहां पे स्टॉप लॉस होगा 1750 का, और आने वाले टाइम में यहाँ पे टारगेट अपने को जो मिलने चाहिए वो होंगे 1930, उसके बाद 1950 और लगभग 2000 प्लस के टारगेट आसानी से मिलने चाहिए, क्योंकि इसने किसी भी डिमांड सॉरी सप्लाई को हिट करके नहीं आई, प्राइस हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट के थ्रू यहाँ पे प्राइस नीचे आई है। तो यहाँ पे डेली को भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे RSI एकदम साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा आपको एंट्री मिलता हुआ दिखे। डेली के डिमांड जोन की अगर बात करते हैं, तो अपना 1780 के आसपास का बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है, जहां पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 1750 के आसपास का। बात कर सकते हैं अगर कैश के अंदर इसमें हमें होल्ड करना है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जरूर एड ऑन करना चाहिए, और जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप लेवल दिख रहा है अपने को, ये वाला जो एक ट्रैप लेवल दिख रहा है, तो अगर कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ पे एड ऑन करने को मिल जाए अपने को मौका, जो कि 1730 के आसपास का, तो यहाँ पे 1700 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, और उसके बाद उन्हें पता होता है कि यहाँ पे जो भी अपने ट्रेडर है यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उसको स्टॉप लॉस पे हिट करवाने के बाद वो यहाँ से प्राइस को ऊपर चलवा देते हैं, तो इसको भी अपने कंसीडर करना चाहिए अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है, तो नहीं तो एक बार यहाँ पे ट्रेड लेकर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, और फिर अब यहाँ पे आए तो जरूर बाय करना चाहिए, और फिर प्राइस को ऊपर की तरफ का वेट करना चाहिए। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना है PEL मतलब पीरामल प्राइसेस, पीरामल इंटरप्राइजेस। यहाँ की अगर बात करें, हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, इस सप्लाई जोन में एक अच्छा खासा पोटेंशियल है प्राइस को नीचे धकेलने का, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दिया था किसी भी अच्छे डिमांड जोन के अंदर बिना एंट्री दिए, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे 20 में प्लस डेली के सप्लाई जोन से प्राइस ने हिट किया और नीचे आ रही है। इसकी जो लास्ट होप बनती है वो अपना ये रेंज होने वाला है, जो कि 890 से 885 का रेंज होने वाला है, जहां पे स्टॉप लॉस अपना होने वाला है 860 का, और यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे RSI की बात करें तो RSI ने लगभग 30 के रेंज को हिट कर दिया है, तो यहां से एक अपसाइड होना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि RSI के बेस पे ऊपर, प्लस इस डिमांड जोन में एक ओरिजिन का है, ओरिजिन टाइप का ये डिमांड जोन है, जहां से एक अपसाइड में हमें मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करते हैं पोजिशन व्यू की, अगर ये डिमांड जोन में किसी प्रकार से ब्रेक होता है, तो अपने को एक पोजिशनल व्यू, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो अपना व्यू बनने वाला है, वो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आपको 750 740 का आपको लेवल देखने को मिले, तो यहाँ पे एड ऑन करना चाहिए, और फिर आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है PEL मतलब पीरामल इंटरप्राइजेस के अंदर। बात करते हैं विप्रो के बारे में, तो
बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात करें हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे जाके, तो यहाँ पे देखे तो एक गैप था जिसको इसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। कोई भी अपने को अगर एक गैप अप मिलता है यहाँ के आसपास का, मतलब 409 या फिर 407-8 के आसपास का, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 415 के आसपास का। और फिर यहाँ से एक डाउन साइड में यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, जहाँ पे अपने आने वाले टाइम में आपको 395 और उसके बाद देखेंगे तो लगभग 384-382 के आसपास का डाउन साइड में टारगेट अपने को देखने को मिलना चाहिए। तो विप्रो को थोड़ा अपने रडार पर रखना है। अगर यहाँ पे हमें कोई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और डाउन साइड में डिप में दोबारा से एड ऑन किया जा सकता है। बात करते हैं अपना परसिस्टेंट की। तो यहाँ पे अगर परसिस्टेंट की बात करें तो अपना एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस ने दोबारा नीचे की तरफ यहाँ पे एंट्री दी है। बात करें अगर यहाँ की बात करते हैं कि बहुत अच्छा डिमांड जोन है जहां से प्राइस ने कंसोलिडेट करते करते इसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जहां पे अपनी एंट्री होगी वो होगी 6255-6240 के आसपास का, स्टॉप लॉस इस केस में अपना हो जाएगा 6120 के आसपास का। और फिर यहाँ पे आने वाले टाइम में अपने को 6350 उसके बाद देखेंगे तो लगभग 6440 प्लस के टारगेट यहाँ पे परसिस्टेंट में देखने को मिलने चाहिए। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक और लास्ट स्टॉक जो होने वाला है वो एक ब्रेकआउट स्टॉक है, जो कि जैसा कि हम लोग हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं वो ब्रेकआउट स्टॉक होने वाला है। इससे पहले ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी तक हमारे लिंक के थ्रू आपने अगर अभी तक अपस्टॉक में अकाउंट अपना नहीं ओपन करवाया है तो प्लीज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक का अकाउंट लिंक पेस्ट है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस जो अपना स्कैल्पिंग ग्रुप चल रहा है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्कैल्पिंग ट्रेड होते हैं, मतलब कि 5 मिनट में 10 मिनट में जो भी पॉइंट अपने को मिलते हैं वो फट से एंट्री फट से एग्जिट करके वहां पे जो भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ टाइप के ट्रेड होते हैं जहां पे स्टॉप लॉस भी काफी छोटे होते हैं, तो अगर आपने अभी तक अपना अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। बात करते हैं अपना लास्ट स्टॉक जो होने वाला है वो है इरोज इंटरनेशनल मीडिया, जहां पे इसने बहुत बड़े रेंज को, इसने अब रेंज की बात करें तो लगभग जून से यहाँ पे जून से लेकर नवंबर तक एक बहुत बड़े रेंज को इसने आज ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वहां से बाय डिफॉल्ट प्राइस को नीचे आना चाहिए। एक बार प्राइस अगर नीचे किसी प्रकार से अपने को 20 या फिर 1950 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। जहां पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है 17 का, मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होने वाला है। और बात करें टारगेट की तो अपना जो पहला टारगेट हो जाएगा, पहला हर्डल तो यही होने वाला है, मतलब 22 रुपए 70-80 पैसे का, फिर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 25 का, और फिर यहाँ पे गैप फिलिंग होता हुआ आएगा, मतलब 26 से 27 रुपए का रेंज अपने को ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो अपने रडार पर रखना है, कोई भी इसमें डिप मिले जो कि 20 या फिर 19.50 रुपए का तो यहाँ पे 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर साइड में ये सारे टारगेट अपने को देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो में इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।